जनपद नैनीताल में S3 फाउंडेशन UCOST और विकास समिति द्वारा जिले के विभिन्न स्कूलों में छात्र और छात्राओं को प्राकृतिक स्रोतों और सिटीजन साइंस को जागरूक करने के उद्देश्य से आज राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सभागार में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष कमल कांत जोशी ने छात्राओं को जानवरों के साथ पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज विश्व भर में हाहाकार मचा हुआ है, उसके लिए जरूरी है कि हमें जंगली जानवरों के साथ जंगलों को बचाने की पहल करनी होगी ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। स्कूली बच्चों को, इंटरमीडिएट तक के स्कूली बच्चों को हम जो है जागरूक करेंगे, उनको इसकी वैल्यूज के बारे में बताएंगे और जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी पद्धति जो चल रही है उस माध्यम से किस तरीके से इसको बचाने के लिए वो बच्चे खुद किस तरह से सहभागिता कर सकते हैं, वो हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सिटीजन साइंस हम जिसे बोलते हैं, जिनके पास अपनी एक परंपरागत जैव विविधता संरक्षण विधियां हैं, वो उस विधि के माध्यम से उनको जानना और उनसे हम लोग शेयर, वो लोग हमें बताएंगे किस तरीके से हम उनको और ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी का। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, उनको भी समझाना, उनसे हमने वो चीज़ों को सीखना और वो बातें फिर बच्चों से हमने उनको लेक्चर के माध्यम से और एक फील्ड विजिट के माध्यम से हम जो है बच्चों को बताने की कोशिश करें।